आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। आगे केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि हर मोर्चे पर भाजपा विफल है, जबकि कांग्रेस ने अपने 3 साल के अपने कार्यकाल में 32,000 युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन भाजपा सरकार 3,500 बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं दे पाई। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही 28,000 को रोजगार दिया जाएगा। अच्छी कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी। चौबट्टा खाल इस बार पूरे पौड़ी को का नेतृत्व करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। राव जी, लगातार जो अंदरूनी कलह कांग्रेस की लगातार सामने आ रही है, किस तरह से 2022 को पार कर पाएंगे? सब मिलजुल करके करेंगे, एकजुट होकर करेंगे। खबर चमोली से है, जहां विकास खंड जोशीमठ पहुंचे बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मोमेंटो देकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि मतदान करना लोगों को जनसिद्ध अधिकार है और इसका उपयोग सभी को अपने शासन चुनाने के लिए करना चाहिए। आगे विधायक ने कहा कि लोगों को मतदान करने के साथ लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना हमारा दायित्व बनता है। वहीं बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने महिला मंगल दल को भी सामग्री बांटी। महिला मंगल दल को मैंने सांसद सामग्री का वितरण यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ आज हमारे हिमाचल से आए हुए हमारे प्रभारी लोग आए हुए हैं और हमने जोशीमठ के नगर क्षेत्र के सभी नवमतदाताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है और राष्ट्र के नाम वोट हो इस विषय को लेकर हम यहाँ पर अपना विषय रखेंगे और सबसे अधिक से अधिक मतदान सब युवा करें, ये भी हमारा आह्वान होगा। खबर चमोली से है, जहां थराली विधानसभा ने सोलपट्टी और घाट विकास खंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश देखने को मिला है। इस दौरान ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर शिकायत को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर मोटर मार्ग का निर्माण जल्द नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार करते हुए बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वो पहले भी बहुत बार इस सड़क के लिए आंदोलन और भूख हड़ताल कर चुके हैं, जिसके बाद इस सड़क के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। न्यूज चैनल का जो हमारे इस विषय में अपनी भूमिका निभाई, मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा विषाण होने के नाते यहाँ पर 2 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी को भी अपने हाथों से इस परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी कोई सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब भी कोई बैठकें होती है, किसी प्रकार की भी कोई चर्चा परिचर्चा होती है, तो मेरा ये रिसाण तेलान मोटर मार्ग पे सबसे पहला मुद्दा रहता है। हम ग्राम सभा रिसाण के आज एक शिष्टमंडल PWD विभाग थराली में आया हुआ है, जिसमें 2018 से वित्तीय स्वीकृति हो रखी है, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आम जनता परेशान है, जबकि हमारा जो ये पहले सर्वे हो रखे है 2011 में भी हुए है, 2018 में भी हो रखे है, जिसमें वित्तीय स्वीकृति भी आ रखी है। जहाँ पर हमारा सर्वे के बाद डैम्पिंग जोन है, वो इलाका हमारा भालू ने जो है काफ़ी आदमी को काट चुका है। यदि वो अगर रोड हमारी घाट थराली मोड मिल जाती तो हमें दिक्कत नहीं होती है, जबकि हमारा जहाँ से गाड़ी का लास्ट स्टॉप है वहाँ से ऊपर जाने के लिए 200 रुपये किराया देना पड़ता है, एक खच्चर वाले को किराया देना पड़ता है। अभी बर्फ़ गिरने का समय आ गया, आज शाम से क्या पता बर्फ गिरने की संभावना है, जिसमें खबर लक्सर से है, जहां लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में एक्टिव हो चुका है। इसी कड़ी में जो जिलाधिकारी वैभव गुप्ता और पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने लोगों को जागरूक करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे वैक्सीन लगवाने की भी अपील की गई। कोरोना के जागरूकता हेतु हम लोगों को जो है सैनिटाइज के संबंध में, मास्क पहनने के संबंध में, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में
उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो 11 से 12 बजे तक चलेगा। सभी कस्बों में और देहात क्षेत्र में सभी थानों में जो है ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और SP देहात के निर्देश पर। और सभी से अपील की जा रही है सभी लोग घर से बाहर मास्क पहन के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोई भी यदि इस संबंध में कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो 4 से 6 बजे हम लोग एक चालान का भी अभियान चलाएंगे और लोगों को जो है इसके लिए जो है बाध्य करेंगे लोग जो है कोविड नियमों का पालन। संक्रमण हाल के दिनों में फैलने लगा है ऊपर, वैसे तो सभी लोग लगभग वैक्सीनेट हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर पुलिस के साथ अभियान चलाकर सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि सभी लोग सेफ एंड सिक्योर रहें, सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। साथ ही यदि कोई और भी ऐसा कर रहा है जो इन सब मानकों का, इन सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है तो सभी का ये कर्तव्य है कि उन्हें भी इसके लिए जागरूक करें और स्वयं भी करें, सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ एंड सिक्योर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है लेकिन अगर देहरादून की बात करें तो यह रिमझिम बारिश हो रही है जिसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2200 से 2500 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इनमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग शामिल है। चलिए आपको सुनाते हैं मौसम के बदलते मिजाज को लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा। कार में विक्रम सिंह निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें आज 5 जनवरी की हो गई है और आप देख रहे हैं कि प्रदेश में जो है जो बारिश का सिलसिला वो शुरू हुआ है। एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से आज जो है प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ जो बर्फबारी है जो हमारे 2200 या 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है बर्फबारी भी वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है आज के लिए अगर बात करें तो जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं, 3000 मीटर आसपास तक के हैं तो उनमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो है भारी बर्फबारी भी एकादुका जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। कल जब आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, छुटपुट आइसोलेटेड आप कह सकते हैं कि बहुत हल्की बारिश बर्फबारी हायर रीचेज में उसकी संभावना है लेकिन 7 तारीख में जब आप जाएंगे तो फिर से थोड़ी जो एक्टिविटी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा जिसका कि जो मुख्य प्रवाह है वो 8 तारीख को देखने को मिलेगा लेकिन 7 से भी जो है जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें हल्की बारिश या बर्फबारी की जो एक्टिविटी हो वो शुरू हो जाएगी। कार में विक्रम सिंह निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड खबर चमोली से है जहां नवनियुक्त SP श्वेता चौबे पदभार संभालने के बाद कार प्रयाग थाने में नगर क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और जनता से उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान उन्होंने लोगों से यातायात युवाओं में नशे का प्रचलन को रोकने और चोरी की घटनाओं को रोकने को लेकर पुलिस से अपील की जिसके बाद जनता ने समस्या को सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि शासन ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करवाया जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करने पर चालान किया जाएगा। आज जो है जनता के साथ जनसंवाद रखा गया था, मुख्य ये है कि हमारा जनता के साथ जो समन्वय है वो स्थापित रहे। यहाँ की जनता ने जो समस्याएं बताई वो मुख्यतः यातायात से संबंधित थी, नशे जो युवा वर्ग है वो नशे में लिप्त हो रहा है उससे संबंधित समस्याएं बताई, कुछ महिला संबंधी अपराध कुछ क्षेत्रों में है वहाँ की समस्याओं से अवगत कराया। तो जो भी आपके द्वारा समस्याएं बताई गई हैं उनका निराकरण करवाया जाएगा। एक जो इस क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार करेंगे वो इसी इनके द्वारा जो बताई गई समस्याएँ हैं उनके बेसिस पे करेंगे। आगे भी इसी तरह का समन्वय जो है हमारे बीच बना रहेगा। एक सोशल मीडिया जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो सबके साथ आज जो है हमने शेयर किया है, साझा किया है।
अल्मोड़ा में बहुप्रतीक्षित ट्रक टैक्सी पार्किंग का भूमि पूजन किया गया, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बहुमंजिला ट्रक टैक्सी पार्किंग निर्माण का भूमि पूजन किया। 7,74,64,000 रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ट्रक टैक्सी स्टैंड के लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, जल्द काम शुरू किया जाएगा। और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि अल्मोड़ा में यह पार्किंग स्थल बनाने के बाद लोगों को काफी सहूलियत होगी। सरकार ने इसके लिए 7,74,00,000 का बजट जारी कर दिया है। टेंडर भी हो चुका है, इसलिए भूमि पूजन कर इस निर्माण की शुरुआत की जा रही है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद जोशी ने बताया कि अल्मोड़ा नगर के लिए एक अच्छी शुरुआत है। अल्मोड़ा में गाड़ियों के बढ़ते दबाव के लिए चलते इसकी वर्षों से मांग चल रही थी। ट्रक टैक्सी पार्किंग स्थल बनाने के बाद आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। सात करोड़ 74 लाख से ये पार्किंग का निर्माण शुरू हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं कहना चाहूँगा कि इससे अल्मोड़ा नगर की जो यातायात व्यवस्था है, जो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें अल्मोड़ा वासियों को झेलनी पड़ रही हैं, उससे बहुत कुछ निजात मिलेगा। इस पार्किंग के बनने से हमारी गाड़ी मालिकों को काफ़ी राहत मिलेगी और सामान उतारने ले जाने के लिए भी सहूलियत होगी। तो बहुत एक बड़ा कदम ये उठा है। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, विधायक जी ने इसमें प्रयास काफ़ी प्रयास किया, उनको भी बहुत धन्यवाद है। ट्रक स्टेशन बनने के लिए आप हमारे सरकार ने 7,74,64,000 रुपया इसमें अवमुक्त कर दिया गया है। इसका टेंडर हो चुका है, आज इसका शिलान्यास भूमि पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है। अब इससे हमको बहुत अच्छी सुविधाएँ मिलेगी कि आए दिन हमारे यहाँ टैक्सियाँ भी आ रहे हैं, टू व्हीलर भी आ रहे हैं, फोर व्हीलर भी आ रहे हैं और ट्रक भी आ रहे हैं। तो इसके लिए स्टैंड नहीं होने के कारण हमको बड़े असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। वन में होने के उपरांत भी हमको बड़ी असुविधाएँ होती थी, लेकिन अब ये असुविधाएँ नहीं हो पाएंगी क्योंकि अब हमारा जो जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और 105 गाड़ियाँ इसमें खड़ी होंगी। 105 गाड़ी खड़ी होने का स्थान हमको ये इसके लिए जो बन रहा है, ये 105 गाड़ी का ट्रक और टैक्सी स्टैंड है। खबर कलियर से है, जहां धनौरे पीएनबी बैंक शाखा के पास ई वाहन एजेंसी का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी और ज्वालापुर सिख कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार भूप सिंह ने किया। इस मौके पर भूप सिंह ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई के दौरे में इलेक्ट्रिक स्कूटी स्कूटर मील का पत्थर साबित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि आने वाला समय भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही होगा, क्योंकि इस महंगाई में पेट्रोल डीजल और चलने वाले वाहन आम आदमी की पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। वही एजेंसी स्वामी रवि सैनी ने बताया कि ये वाहन 3 घंटे की चार्जिंग में 90 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखते हैं, जबकि इनकी जीएसटी मेंटेनेंस है। चाहता हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत थी रवि सैनी क्योंकि यहाँ पर घाट क्षेत्र पड़ता है, घाट क्षेत्र के बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ कोई आय का साधन तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से 51,000 रुपये की स्कूटियाँ और कंपनी में तो बहुत महंगी पड़ती है, और ये पेट्रोल डीजल मुक्त स्कूटियाँ ये जो है बैटरी से चलेगी, 90 किलोमीटर चल जाती है। तो मेरे हिसाब से गरीब मजदूर किसान को बहुत लाभ होने वाला है इसमें, और ये उत्तराखंड में शुरुआत की है इस भाई ने, पूरी उत्तराखंड की डीलरशिप इन्हीं के पास है। तो बहुत सारे शोरूम खुलेंगे और मेरे संज्ञान में आए जितनी स्कूटी 18 के लगभग ये लाए थे सबकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। प्रदेशवासियों ने 7,95 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इन्होंने धनौरे में गोरख ई वाहन एजेंसी के नाम से एक शोरूम खोला है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी स्कूटर अवेलेबल हैं और जो है कि नियर पीएनबी बैंक सैनी मार्केट धनौरी में। अभी ये गोरख ई वाहन एजेंसी के नाम से जो है इसके प्रोपराइटर गौरव सैनी जी हैं। डायल कंपनी ने इनको उत्तराखंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको सीधा बोलते हैं वो बनाया है, और ये आज उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले में सबसे पहला शोरूम डायल कंपनी का। इसके बाद हैदराबाद में ओपनिंग होगी 2-4 दिन के बाद, उसके बाद फिर रुड़की में होगी। और इस कंपनी में आप देख सकते हैं 3 मॉडल अवेलेबल हैं अभी। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से पूरी सीमांत क्षेत्र तक शीतलहर चपेट में आ गया। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जबकि लोगों के अलावा सहारा लेना भी पड़ा, जहां वहीं रूपकुंड ट्रैक और
हिमक्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। खबर चमोली से है जहां बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश और बर्फबारी ने काफी ठिठुरन बढ़ा दे दी है, लेकिन वहां के मौजूद पर्यटकों का कहना है कि इस हिमबारी के दौरान उनके चेहरे काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। जबकि लोगों के अलावा सहारा भी लेना पड़ा, तो वहीं रूपकुंड ट्रैक और हिमक्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे काफी खिले नजर आए। खबर कलियर से है जहां शिव बाबा इंटर कॉलेज माजरी में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रविंद्र सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 से 18 साल तक के 190 छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें से 173 छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई गई, जबकि 17 छात्रों को पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव से बीती 28 दिसंबर को एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफी खोजबीन करने के बाद जब व्यक्ति का पता नहीं चल पाया, तो परिजनों ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर मामले की गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में गांव के पास एक मेडिकल स्टोर पर लगी सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज खंगालने पर लापता व्यक्ति के तालाब के पास होने के संकेत मिले थे, जिसके बाद ग्रामीणों और जल पुलिस ने तालाब को बारीकी से खंगाला था, लेकिन व्यक्ति का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर काफी मेहनत के बाद तालाब में युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया और जांच के लिए भेज दिया है। एडवर्टी मिली है मिसिंग का, रामकुमार सनत रतनलाल बहादुरपुर का है, और उस संबंध में जो है परिवार वाले कहते हैं थोड़ा नशा वगैरह भी करता था, और उस संबंध में शख्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसका पंचायतनामा भर के और पोस्टमार्टम के रूप में भेजा जा रहा है। खबर हरिद्वार से है जहां कलियर के दौलतपुर गांव के पास एक कार और बाइक में टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की करीब 15 फीट ऊंचे उछल गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, सिविल अस्पताल भेज दिया गया और मृतक की शिनाख्त में जुट गई। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।